एक सवाल और लेते हैं इसको। इसको मैं एक बच्चे का है, सर अगर ओड हुआ पावर तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहां हम उन दोनों को सॉल्व करना सीखते हैं। एक और सवाल देखते हैं, ठीक है? चलिए, कहता है मिस्टर पांडे, मिस्टर पांडे इन्वेस्ट 100 इन म्यूचुअल फंड, ओके, एंड अर्न 25% एनुअली फॉर 3 ईयर। तो मान लेते हैं फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, 25% एनुअली रिटर्न है। तो यहाँ पे कितने परसेंट? 25%। यहाँ पे भी कितने परसेंट? 25%। यहाँ पे भी कितने परसेंट? 25%, यानी 25-25 रुपए कमाया है। अनफॉर्चुनेटली लॉस 75% ड्यूरिंग द फोर्थ ईयर, और फोर्थ ईयर में 75% का हो गया नुकसान, यानी जितने पैसे लगाए वो सारे जीरो हो गए। तो अगर मेरे से कोई पूछे भैया तूने 4 साल में कितने कमाए, तो मैं बोलूंगा कुछ कमाए नहीं यार, आ रहे थे पैसे लेकिन कुछ नहीं कमाए। इसके बाद कहता है फोर्थ ईयर एंड 25 एनुअली फॉर नेक्स्ट 4 ईयर, ओके, नेक्स्ट 4 ईयर, फिफ्थ ईयर, सिक्स ईयर, 7 ईयर और 8 ईयर। अब फिर से ये 25-25% की कमाई करने लगा, 25-25% की कमाई ये करने लगा। तो एक्चुअल देखा जाए तो आपने एक तरीके से ये सारे पैसे कमाए हैं ओवर द ईयर। कहते हैं कैन वी से दैट टोटल रिटर्न 100%, क्या हम बोल सकते हैं टोटल रिटर्न कितना है 100% बाय मिस्टर पांडे ओवर पीरियड 8 ईयर, विच इज 12.5%, जो कि हमारा अब 100% है। और 100% अगर 4 सालों में इसने, मतलब 8 सालों में निकाला है, तो 8 सालों के हिसाब से क्या 12.5% ईच ईयर है? क्या क्वेश्चन समझ में आया? यानी क्वेश्चन कहना चाहता है कि भैया देखो हम तो बड़ी साफ सीधी बात जानते हैं, ये वाला पोर्शन कमाया, ये तो जीरो ही हो गया तुम्हारा, 4 सालों में करा क्या? कुछ नहीं। बाकी के 4 सालों में 100% कमा लिए आपने, तो 100% अगर आप 8 सालों में कमा रहे हो, तो कहना चाहता है हमें तो ऐसा महसूस होता है कि आपने 100% कमाया 8 सालों में, मतलब हर साल आपकी कमाई 12.5 है, हमें ऐसा लगता है। क्या आपको भी ऐसा ही लगता है? क्वेश्चन मार्क डाल दिया तो आप हमें बता दीजिए। तो क्या आपको भी यही लगता है? तो ये सवालों का जवाब इसको देने के लिए, पहले इसको अगर मैं आपसे पूछूं कि आप इसे मुझे एवरेज से करके दिखाइए, अगर मैं एवरेज से करूं तो जो इन्होंने ये बताया है ना, दैट इज एवरेज। पहले अर्थमेटिक मीन कर देते हैं, अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू रिटर्न दे ही रखता है, तो आपको फॉर्मूला लगा के रिटर्न नहीं निकालना। अर्थमेटिक मीन तो कितना होगा सर? 25 प्लस 25 प्लस 25 -75 +25 प्लस 25 प्लस 25 प्लस 25 डिवाइडेड बाय 8। तो सर ये अर्थमेटिक मीन बता रहा है। अगर आप बोलते क्या अर्थमेटिक मीन 12.5% होगा, तो जवाब होता सर यस, अर्थमेटिक मीन 12.5% होता। लेकिन ज्योमेट्रिक मीन ऐसा नहीं कहता, वो कहता है यहाँ कुछ तो और ही बात है, कुछ और लोचा है यहाँ पे, वो हमें बताना है। कैसे बताएंगे? चलो, ज्योमेट्रिक मीन ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल करके दिखाया, अब ज्योमेट्रिक मीन कर लेते हैं। जीएम, जीएम क्या कहता है? 1 प्लस R1, तो ब्रैकेट स्टार्ट, 1 प्लस में R1, R1 कितना है? 0.25 प्लस फिर से 1 प्लस R2, यानी 0. फिर से दूसरे साल भी 2.5 है, प्लस लग जाता है बार बार ना, दिमाग से निकल जाता है ये प्लस वाला फंडा। 1 प्लस 0.25, फिर से 1 प्लस 0.25, 3 बार तो कमाए, अब क्या होगा सर? 1 माइनस में 0.75, ओहो, फिर कमाई कर ली, 1 प्लस में 0.25, फिर प्लस हो गया, 1 प्लस में 0.25, कितना करोगे सर प्लस?
ये चलता जाएगा, देखो 8 साल तक हो गए ना, एक दो तीन चार पाँच छह ही हुए, अभी तो 2 बार और आएंगे। 1 + 0.25, 1 + 0.25, ये हो गया। चलो भाई साहब ये हो गया, थोड़ा इधर कर दे दिखाने के लिए, ठीक है, कलर चेंज कर लिया जाए। अब इन सभी को हमें रखना किस में है सर, 1/n, n कितनी है 8 और -1, इसको सॉल्व करना है। तो अगर हमारा इसका मतलब पावर 2 है, अगर 2 बार रूट हो तो इसका मतलब पावर 4 है, अगर 3 बार रूट है तो इसका मतलब पावर 8 है, अगर आपका 4 बार है तो 2, 4, 8, 64, यानी अगर पावर 64 है तो इसका मतलब 4 बार रूट है। लेकिन एक बच्चे का जवाब आया है सर, अगर पावर हमारा 6 की जगह 6 हो जाए, या फिर ऐसा पावर आ जाए 3 आ जाए, पावर 2 आ जाए 7 आ जाए, 2 तो पता ही है 7 आ जाए, पहले इसको सॉल्व कर ले फिर उस पावर का फट्टा समझेंगे। 1.25 + 1.25 मल्टीप्लाई करना है ना, तो इसको सॉल्व करते हैं। 1.25 + 1.25 + 1.25, ओहो प्लस बार बार लग रहा है, बार बार प्लस लग रहा है, नहीं ये प्लस है, नहीं ये प्लस, बार बार प्लस ही लग जाता है, आदत लगी हुई है ना। एक आगे क्वेश्चंस करेंगे उसमें प्लस प्लस आता है। चलिए इनटू 0.25 ये वाला है ना, इनटू 1.25 इनटू 1.25 इनटू 1.25, 1, 2, 3 इनटू 1.25 की पावर 1/8 - 1, इसको सॉल्व करते हैं। 1.25 + 1.25 - 0.25 + 1.25 + 1.25 6 हो गया, +1.25 + 1.25। अब इसका पावर 8 है तो 3 बार रूट दबाएंगे, मेरे ख्याल मेरा ना ज्यादा आ गया है कुछ, दोबारा मैं कर लेता हूँ 1.25। तो माइनस सॉरी इनटू 0.25, आठवा ये आ रहा है मेरा 92 करके समथिंग है, 19.2092। अब इसका अंडर रूट 3 बार निकालेंगे, 1, 2, 3, ठीक है, तो जो मेरे पास जवाब आया निकल के 1.0222 आ गया। सपोज करो माइनस वन कर दोगे तो जो रिजल्ट आया हमारा, जो रिजल्ट आया हमारा क्या आया सर, रिजल्ट रिजल्ट इज 0.2 है गया हमारा, तो 0.2 का मतलब होता है 0.2 -1 × 100, 1.022 × -1, ये 2.22 ये आपका ज्योमेट्रिक मीन है 2.22। आप भी एक बार चेक कर लीजिए क्या 2.22 आ रहा है, आप भी एक बार चेक कर लीजिए 2.22 आ रहा है। सर प्लस क्यों कर रहे हो, मल्टीप्लाई करना है, मैंने मल्टीप्लाई किया, एक बार आप चेक करिए, क्या पता प्लस कर दिया क्या मैंने। ओहो मैंने मल्टीप्लाई किया है, मेरे मेरे मतलब
निकल गया मेरे मुंह से कि प्लस किया है, एक दो तीन चार, एक दो तीन माइनस, मल्टीप्लाई किया है, आप भी चेक करिए। करेक्ट सर, मेरे मुंह से निकल गया प्लस, लेकिन है एक्चुअल में क्या, मल्टीप्लाई। अब बच्चों का सवाल ये आता है कि सर अगर यहाँ पे, अगर यहाँ पे हमारे पास कुछ ऐसा होता डिजिट जैसे 1/8 की जगह पे 1/7 होता तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ये भी बता दीजिए मुझे। पहले आप प्लस कर रहे थे, बोल भी रहे थे प्लस, हाँ नहीं 1.19 की फिगर नहीं आ रही होगी, तीन बार रूट दबाने पे। राघव का कहना है सर 1.19 की फिगर आ रही है, बताओ स्टूडेंट क्या आ रहा है। बताइए क्या आ रहा है। राघव ने इसको थोड़ा सा होल्ड करा दिया, आप भी एक बार निकालिए। सर मेरी मैम ने लॉग एंटीलॉग, लॉग एंटीलॉग नहीं यूज करेंगे, मैं कैलकुलेटर पे कराऊंगा सो दैट थोड़ा इजी रहे। अब मेरे पास लॉग टेबल आएगा नहीं आएगा वो करते थे, हम कैलकुलेटर पे पूरी की पूरी खत्म करेंगे। दिया के कहना है सर ये आएगा, भाई एक बार रूट दोबारा फिर आंसर आएगा। 2.2 ठीक है भाई, 2.22% बच्चे बता रहे हैं ठीक है। अब आ जाते हैं कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड रिटर्न छोड़िए, एक और सवाल दिया जाए, प्रॉब्लम दिया जाए। अगर आपके पास बुक है, मैं एक क्वेश्चन और देता हूं आपको, एक क्वेश्चन देते हैं आपको, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, यहां पे है नहीं, क्वेश्चन लिख देता हूं मैं। आपको इसने दे दिया 11, 12, 13, 7 से 13, 7 से 7, 8, 9, 10, 11, 2012 13, 100, 125, 118, 130, 140, 260
डिवाइड ओवर 30 के इंटीग्रल तक। पॉइंट नंबर वन अर्थमेटिक मीन बताइए, पॉइंट नंबर टू ज्योमेट्रिक मीन बताइए। चलिए ये क्वेश्चन फटाफट करके दीजिए, क्योंकि यहाँ सॉल्यूशन है नहीं, अनसॉल्व है, तो करके दिखाइए फटाफट से, ये क्वेश्चन करके दिखाइए अभी। वन पॉइंट फोर जीरो एट की जगह शायद मैंने कुछ एरर लिख दिया हो, वो देख लेंगे। आप पहले इसको करके दिखाइए, अभी चेक कर लेंगे, कोई बात नहीं। इसको आप इसको करके दिखाइए, अर्थमेटिक मीन और जीएमबी। आपके पास समय है सिर्फ 10 मिनट। चलिए मैं भी निकालता हूं, आप भी निकालिए। आर वन 25%, मैं डायरेक्ट भी निकाल रहा हूं किसी किसी का। आर टू 125 और से 18, तो 18 7 डिवाइडेड बाय 125, चेक कर लेते हैं अभी। 7 डिवाइडेड बाय 125 5.6। माइनस आर थ्री 30 12 10.16 169 आर फोर 1 2 3 4 120 10 डिवाइड 130। और ये पहले कर भी चुके हैं 7.692 और 5 1 2 3 4 5 20 डिवाइडेड बाय 120 16 पॉइंट। आर सिक्स 140 माइनस 260 सो 20 डिवाइडेड बाय 140 85 25 माइनस 5.6 प्लस 10.169 माइनस 7.697 प्लस 16.6 प्लस 85.7 डिवाइडेड बाय 1 6। जी ये आया अर्थमेटिक मीन आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री प्लस आर फोर प्लस आर फाइव प्लस आर सिक्स डिवाइडेड बाय 6। इन सभी का टोटल बनता है 124.248 डिवाइडेड बाय 6 सर 20.708। एएम चेक करिए, हाँ बिल्कुल 708। तनिष्का कहती है आर वन 61%। कैसे आप यहां से मत काउंट करिए जी, यहां से नहीं काउंट करना, यहां से कर लिया लगता है कुछ बच्चों ने। आपको ये सीरीज फॉलो करना है, सिक्स ईयर पहले वाला छोड़ दो, वो मैं लिख रहा था फिर मैं लिखना भूल गया, वो मेरी गलती है, करना ये सॉल्व है। इसका जीएम का आंसर बता दें सर, जीएम का आंसर आएगा 17.26 17.26। ये आपका होमवर्क, ठीक है। तो चलिए अब अगला पॉइंट हमारा आता है सर क्वेश्चन में, दैट इज एक्सपेक्टेड रिटर्न। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न वाला क्वेश्चन हम अगली क्लास में करेंगे, ठीक है सर। कब रखोगे क्लास? कल है सैटरडे, सैटरडे सुबह।
संडे रखेंगे क्लास, संडे आपको सैटरडे शाम को शेड्यूल लग जाएगा और संडे का क्लास रख लेंगे, क्योंकि संडे जीएसटी भी है, तो जीएसटी का देख के एक क्लास रख के एक्सपेक्टेड रिटर्न खत्म करेंगे संडे। हाँ मुझे लगा ही बच्चों ने 260 ले लिया होगा, ठीक है, वो मेरा मिस्टेक था, उसके अकॉर्डिंग मैंने अब आपको बता दिया, ठीक है। चलिए चलिए स्टूडेंट, गुड नाइट, टेक केयर, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास के अंदर। बुक ले लीजिए फटाफट से आप अब।